सत्यकाल सरदार जी, सरदार जी पंजाब के सभी रियासतों के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं आने दो। सत श्री अकाल। आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद सरदार जी। सरदार रणजीत सिंह जी, जमान शाह को हरा पाना कोई मामूली बात नहीं। हम सभी सरदार आपके शुक्रगुजार हैं कि आप उससे हमारा खजाना भी वापस लेकर आ गए। हम जानते हैं कि आप आराम करना चाहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अपने खजाने के बोझ से हम मुक्त करें। कौन सा खजाना? ये हमारी रियासतों का खजाना जो जमान शाह के कब्जे में था। जमान शाह के कब्जे में था? जमान शाह से मांगिए। लेकिन चारों ओर तो यही चर्चा है कि आपने वो खजाना वापस हासिल कर लिया है। हाँ, हासिल तो किया, और वो खजाना आपका कैसे हो गया? जंग हमने की, मेहनत हमने की, खून हमने बहाया, और खजाने की दावेदारी आप ठोक रहे हो। वाह, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप भी। हम हिसाब भी अच्छा करते हैं। जब हमने आपसे पंजाब की रक्षा के लिए एक होने की बात कही, तब तो आपने मना कर दिया। जब आपको खजाना याद नहीं आया, जब आप अपनी रियासत छोड़कर, अपनी रियाया छोड़कर भाग गए थे, अब आपको खजाना याद नहीं आया। जो सरदार अपनी प्रजा का नहीं, वो किसी का नहीं। जी, ऐसा मत कहिए सरदार जी। हमें एक मौका दीजिए सरदार रणजीत सिंह जी, बस एक मौका। ठीक है, देता हूं एक मौका। एक मौका पंजाब के लोगों की सेवा करने का। कहिए कि आज से ये खजाना पंजाब के लोगों की रक्षा करने के लिए है। पंजाब के लोगों के लिए, रक्षा के लिए? जी हाँ, आज से हम एक ऐसी फौज बनाएंगे जो सिर्फ एक रियासत के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की रक्षा के लिए होगी, खालसा राज के लिए होगी। आज से यह खजाना अकाल सेना के काम आएगा, पंजाब की एकता के लिए काम आएगा। रणजीत सिंह से हम वो सारा खजाना वापस छीन के रहेंगे। एक ऐसी फौज तैयार की जाए जो पूरे पंजाब को अपने कदमों तले रौंद दे। घोड़े, हाथी, असला, गोला, बारूद सब इकट्ठा करो। रणजीत सिंह,
तब जमान शाह खयामत लेकर आएगा, तब तबाही होगी। सुरक्षा कवच मिल गया है पिताजी, मैं रणजीत सिंह से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। रंजीत सिंह, उम्मीद है एक दिन हमारी पहचान फिर से रंजीत सिंह। फासले मिटा देना चाहती है मेहताब को हमेशा के लिए। हमेशा के लिए सरदारनी मेहताब कौर। सरदार रंजीत सिंह या रंजीत सिंह? रंजीत के बेबे पिताजी तुझे बहुत प्यार करते हैं। रंजीत अच्छा लड़का है ना? मैं समझ गया, वाहेगुरु जी तेनु बहुत खुशियां बख्शे। अथक कहानी प्रेम की कुछ कही ना जाए, गूंगे केरी सरकारा बैठे मुस्काए। प्यार जताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, जैसे गूंगे की मुस्कुराहट ही मिठाई का स्वाद बता देती है। धोखा, बेईमानी की है रंजीत सिंह ने हम सबके साथ। हमारा खजाना हमारी इजाजत के बगैर खालसा फौज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस जमान शाह और रंजीत सिंह में आखिर अंतर क्या है? जमान शाह ने भी हमसे हमारा खजाना छीना और अब रंजीत सिंह भी वही कर रहा है। खालसा राज, अखंड पंजाब, खालसा फौज, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि खालसा राज और खालसा फौज केवल दिखावा है। हकीकत में रंजीत सिंह हम पर हुकूमत कायम करना चाहता है, वो शासन करना चाहता है हम पर। वहां सिंहासन पर बैठा रहे और हम नीचे उसके जूते की नोक पर खड़े रहे। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सुकर चकियों के पास केवल कन्हैयों का साथ है। अगर यहां मौजूद सभी सरदार एक हो जाए तो हम बड़ी आसानी से इन दोनों को हरा सकते हैं और इनसे अपना धन छीनने के साथ साथ इनका भी खजाना ले सकते हैं, इन पर हुकूमत कायम कर सकते हैं। शिकारियों की तरह हम अपना शिकार आपस में बांट लें। इस
रंजीत सिंह को सबक सिखाना होगा। बोलिए, आप लोग देंगे हमारा साथ? हाँ, देंगे साथ। दिखाएंगे रंजीत सिंह को उसकी औकात? हाँ, दिखाएंगे उसकी औकात।